Hey, what's up guys? My name is Rahul and you are watching my YouTube channel Wood for Gaming. Today we are going to play Minecraft. So let's begin. So मैंने अपना स्किन जो है अपग्रेड कर लिया और अपना नाम भी रख दिया है, तो अभी चलिए एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं. सो एक नया वर्ल्ड क्रिएट करते हैं. हालांकि मैंने इस गेम को पहले भी खेल के रखा है. पर ये दूसरे फ़ोन में खेल रहा हूँ मैं. सो इसका नाम रखते हैं अरे क्या लिख रहा हूँ मैं ये मस्त है वो फॉर गेमिंग्स वर्ल्ड. चलो तो फिर क्रिएट करते हैं अपना वर्ल्ड. सो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आखिर ये गेम है क्या. तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. इधर हमें ज़ॉम्बीज, क्रीपर्स, स्केलेटन्स, स्पाइडर्स, एंडरमैन और भी कुछ खतरनाक मॉब्स होते हैं जिनसे हमें सर्वाइव करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल विद स्केलेटन जो कि नेदर में मिलता है, उसके साथ साथ गास्ट के साथ साथ प्लेस और भी बहुत सारे मॉब्स हैं जिनसे हमें सर्वाइव करना होता है. और एंड में हमें जाकर लड़ना होता है एंडर ड्रैगन से जो कि हमें मिलता है एंड वर्ल्ड में. सो हमारा वर्ल्ड अभी जनरेट हो रहा है और इसके पहले वर्ल्ड जनरेट हो जाए आप फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए. और अब हम लोग चलिए भाई गेम में भी थोड़ा फोकस करते हैं. और यार अगर आप बिना बैट के इस गेम में सर्वाइव करने जाओगे तो बहुत हार्ड होने वाला है, मैं पहले ही कह दूं भाई. जो लोग नहीं जानते माइनक्राफ्ट के बारे में, शायद ही ऐसा कोई होगा जो माइनक्राफ्ट के बारे में ना जाने, बिकॉज काफ़ी लोग इस गेम को खेल चुके हैं और काफ़ी लोगों को तो पता भी है कि माइनक्राफ्ट में विदर वगैरह कैसे स्पॉन करा जाता है, जैसे मुझे पता है. तो हमारा वर्ल्ड अभी लोड हो रहा है. लेट्स गो भी आ गया. चलिए तो फिर मुझे लग रहा है अरे भाई ये किस जगह हम लोग आ गए. चलो कोई नहीं, वो इधर भेड़िया भी है. एक मिनट के लिए कंट्रोल्स ठीक करके आया. सो पहले तो हमें हाउ टू प्ले नहीं, ओ शिट ना किस पे दबा दिया. नहीं भाई कंट्रोलर पे, टच पे, सॉरी कंट्रोलर बोलो, स्प्रिट कंट्रोल्स. अब ठीक है, इसमें मुझे जो थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है. अरे भाई इधर भेड़िया भी घूम रहा है. सो पहले अभी चलते हैं इधर वुड कलेक्ट करने. अरे भाई साहब नीचे क्या है, क्राउच कर लो भाई. जो मुझे कॉपर दिख रहा है, कॉपर ओर, नीचे कॉपर ओर है. और फिलहाल हमें वहाँ नहीं जाना, हमें जाना है पेड़ को तोड़ने के लिए जो कि ये रहा. अरे टूट भाई. इसे भी तोड़ते हैं.
ये क्या था? क्या आपने देखा एकदम? मैंने ये ऊपर बोला ऑटोमेटिकली गायब होकर दोबारा आ गया भाई। क्या ग्लिच था भाई? ये ग्लिच था कुछ अजीब सा ही। सो खाना चाहिए भाई, खाना चाहिए। गौ माता इस काव को मारते हैं अभी। मैं गेम का साउंड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, पहले ही ठीक था। अरे भाई नाइस। इधर शीप है क्या आसपास? हमें उसे मारने की ज़रूरत है भाई ताकि बेड बना सके। आसपास विलेज हो तो बहुत बढ़िया सीन हो जाता है, लेकिन यहाँ हमारे आसपास मुझे नहीं लगता कोई भी विलेज है। अरे भाई इधर तो एक काम करते हैं, कुछ करें उसके पहले हम लोग जो है एक छोटा सा काम कर ही देते हैं। लगे हाथ इसके पहले कोई दूसरा मॉब वगैरह आ जाए, मतलब कोई दूसरा, मतलब अभी तक एक मॉब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं इधर फटाफट से स्टोन्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ लगे हाथ, और कोल भी, बिकॉज इससे हमें टॉर्च बनाने की ज़रूरत है भाई। इससे कोल से जब हम लोग टॉर्च बना सकते हैं तो फटाफट से इसे तोड़ते हैं। नाइस, एक मिनट, यहाँ एक कोल छूट गया, इसमें कलेक्ट कर ही लेते हैं लगे हाथ। और हमें फर्नेस बनाने की ज़रूरत है, तो एक काम करते हैं पहले तो इधर से थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल को भी कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब बेकार में वुड तो खर्च करा नहीं है, इसको कलेक्ट ही कर लेते भाई, इसको छोड़ के थोड़ा जाएंगे। मुझे नहीं लगता आसपास कोई भी शिप वगैरह होंगी, पर फिर भी अगर देख लेते हैं भाई। ओह नो, मैं इधर किधर, इधर आयरन है और मॉब्स, मुझे स्केलेटन की चलने की आवाज़ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ये ढेर सारे केव्स है भाई, इस केव पे तो कॉपर भी है। एक मिनट रुकना, ये केव है पक्का? नहीं तो केव ही नहीं है। एक काम करते गाइस, इधर ना एक छोटा सा अभी के लिए जो है मतलब एक छोटा सा घर बनाते, बिकॉज हमारे पास रहने लायक कोई जगह तो है नहीं, बेड भी नहीं बने हैं तो सरवाइव करने के लिए हमें ये बनाने की ज़रूरत भी है, नहीं तो हम मॉब से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो इसको इधर रखते हैं एंड फटाफट से फर्नेस तो बनाते बनाते हैं, टॉर्च भी लगे हाथ बना लेते हैं। एंड 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 मुझे कुछ और भी बनाना था। ओ एक प्लैंक कम पड़ गया भाई, एक काम करते, एक तम से इधर प्लैंक ही लगा देते हैं अभी के लिए लगा देते हैं, और खोदना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इधर, अबे ये किधर लग गया, इधर कहीं पे तो एंडरमैन घूम रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है उसकी। पहले तो इधर ये रखते हैं भाई, और इसे भी खोद देते हैं।
बहुत लैग कर रहा है गेम। और अभी मैं सोच रहा हूँ इधर हमें स्टोन के टूल्स बना लेने चाहिए। पिकेक्स के लिए क्या काम है? स्टिक, मेरे पास कितने स्टिक हैं? स्टिक है ही नहीं लिटरली। भाई साहब ये चीज़ बहुत दिक्कत देने वाली है। ओह नो, अभी के लिए चारों ही टॉर्च इधर लगा देते हैं। जितने सामान सेव कर सकते कर लेते हैं। इधर कोल रख दो, ये बढ़िया रख दो, कुछ भी रख दो मैटर नहीं करता। ये तो पकने ही लग गया। स्टोन स्टोन नहीं चाहिए मुझे, मुझे यही चीज़ है। रिजल्ट के तौर पे ये रख दो। अरे ये आता क्यों नहीं? स्टोन इधर से हटा दो और इधर रख दो। कुछ भी क्या कर रहा हूँ मैं? एक काम करता हूँ ना, ये जो बच गए इधर खाना पकाता हूँ। नाइस, वो इतना सारा सामान। अरे भाई साहब इसको लगाओ, देन इसको स्टिक करे। यार एक प्लैंक और चाहिए। बाहर बाहर बचा, बाहर ज़ॉम्बी था। ओ माय गॉड, इधर सरवाइव करना काफ़ी हार्ड होने वाला है मेरे लिए। इधर स्टिक्स बनाते हैं एंड टूल्स बनाते हैं। ये बन गया, ये बन गया। नाइस नाइस नाइस। अरे भाई साहब तो 3 वुड मिले, इसका क्या करे? इसका इसका क्या करना चाहिए? चेस्ट बनाने के लिए 5 वुड और चाहिए भाई। सो गाइस, मुझे लग रहा है कि इसी जगह के सामने जो बड़ा सा गड्ढा टाइप एरिया, हमें वहीं पे अपना घर बनाना चाहिए। फिलहाल के लिए यही सरवाइव करता है भाई। कल मैं सीधा बेड बनाने जाऊंगा, उससे पहले चेस्ट, बिकॉज मर के ये जगह ज़्यादा दूर भी नहीं है स्पॉन पॉइंट के, तो मैं फटाफट जा सकता हूँ। पर मेरा तब तक सामान ना रिस्पॉन हो जाए, सुबह होने में बहुत टाइम लगने वाला मुझे लग रहा है। जहाँ तक इन मॉब्स की आवाज़ अगर बंद हो गई अचानक से, तो समझ लीजिए कि दिन हो चुका है। मुझे बड़ा मन कर रहा है यहाँ से निकलने का। तो है क्या कोई कोई? ओ माय गॉड, मुझे ज़ॉम्बी दिखा है अभी अभी। वो यहीं पे घूम रहा है। इधर अगर मैं एक गलती कर दी तो पाट पाट करके मारेगा। मुझे लग रहा है
कि जब बेड बनाएंगे तो लाके यही कहीं रख देंगे, तो सिंपल सी बात है, इसे तोड़ो, इसको तोड़ो, ये अच्छा इधर ही बेड लगाएंगे। मैंने 2 ब्लॉक ऊपर इसलिए खोदे बिकॉज नहीं तो मैं उठकर सफोकेशन हो सकता मुझे और मैं मर सकता उसके थ्रू। अरे 1 मिनट में क्या कर रहा हूँ, एक कोल भी वेस्ट नहीं हुआ भाई। भूख तो फिलहाल लगी नहीं है, इस वुड का क्या करें, छोड़ो भाई अभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैं मजे से देख सकता हूँ क्या चल रहा है, इसको मारते हैं, दिन होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा। इनसे लड़ना भी बहुत टफ है, अगर ऐसा कवर नहीं होता आज मेरे पास तो आके कब का मार चुका होता मुझे। मुझे डर लगता है क्रीपर से, कभी भी आके फट सकता है, सो मुझे बहुत डर लगता है क्रीपर से भाई। काफ़ी हादसे हो चुके मेरे साथ भाई, बहुत गंदे वाले। और मैं क्या सोचा गाइस, घर इस ओपन एरिया में बनाएंगे सामने की ओर, बट प्रॉब्लम ये उस ओर से खुला हुआ है तो हम इस पूरे केव को बंद कर देंगे और ऊपर का जो छत है उधर ग्लास लगा देंगे, तभी एक बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा। तब तक हमें इसी छोटे से घर पे काम चलाना होगा। होप्सो कि सब परफेक्टली हो जाए। ये तो भाई बहुत गजब सीन है, अरे भाई क्या कर रहा मैं। आजा आजा तू आजा, सो यार गाइस एक पिद्दी सा बच्चा आया था जॉम्बी का, ये रहा, क्या देख रहा है, पिटने वाला है, फट मारने आ जाते। इनसे मुझे काफ़ी चिढ़ होती है भाई, ये बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं नॉर्मल जॉम्बी के मुकाबले और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी लेके जाते हैं।
यार ये रॉटन फ्लैश मैं नहीं लूँगा भाई, ये बहुत बेकार की चीज़ है। मैं क्या सोच, कल ना जितना हो सके उतना डर्ट कलेक्ट करके इस पूरे एरिया की इस लेयर को तो कम से कम ढक ही देंगे, और इस लेयर के और एक दरवाज़ा सिस्टम करेंगे, मतलब जैसे कि इधर से हम जा सके और बाहर से हम लोग कोई भी चीज़ अगर लानी हो कभी तो ला सके। इधर हम लोग अपना बेड वगैरह रखेंगे इस जगह पे, और उधर एकदम पूरा मज़े से स्विमिंग पूल वगैरह एनिमल्स वगैरह बनाएंगे। ये मस्त होने वाला है यार, सैंड भी चाहिए होगा लेकिन इसके लिए। सो इतना तो एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, बट पहले एक बेड का जुगाड़ करते चलो। सुबह हो चुकी है तो यहाँ से निकलते हैं। एकदम से संभल संभल के जाना होगा। अरे घोड़े आ जाना मेरे साथ, इन सबको टेम करने का तो मन कर रहा है पर कैसे करे। अरे भाई गंदा गिरा, छोड़ो हमें क्या, इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, फ़र्क पड़ता तो सिर्फ आयरन से, जो कि मैं अभी फ़िलहाल कलेक्ट कर रहा हूँ। इधर 2 आयरन मिल चुके हैं मुझे, इससे पहले मैं इन्हें भी खोदूँ। फटाफट से चलते वुड कलेक्ट करना है, उससे पहले देख लेते इधर। यार लालच नहीं करनी यार, सोच रहा था इधर आके वुड है क्या, मतलब वुड वुड कैसे हो सकता भाई, मतलब इधर पे आयरन है क्या, और वो देखने के लिए मैं जाने वाला था, पर लालच करेंगे तो हो सकता है गजब सीनी हो जाए। तो एक उधर है, सो इसको तोड़ के आयरन की पिकैक्स बाद में बनाएंगे, इधर से बकेट बना लेंगे इससे, अगर इसके पीछे और आयरन हुआ तो। नहीं है भाई, इसका लिए ये नहीं कि मैं लालच पर उधर चले जाऊँ, उधर गया तो वापस मैं वैसे भी नहीं आने वाला, मुझे पता है। सो जितना हो सके उतना ज़्यादा फुट कलर करके एक ही फटके में निकलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है स्पाइडर, अरे भाई साहब लो, मैं बात ही कर रहा था, छोड़ो इसे जाने देते बेकार में पंगे, लेकिन अपनी मौत को नहीं पुकारना। सो मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ, मेरे पास बहुत सामान है, तो चुपचाप से घर चलते इसको पेड़ को तोड़ने के बाद। सो जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। कितने मिल गए भाई, 8, नाइस भाई, पूरे जितने हो सके उतने, 35 हो गए, नाइस। एंड इसे भी तोड़ सकते, पर उससे पहले इन सबको भी तो तोड़ ले, इसको तोड़ो इसको तोड़ो, इन सबको तोड़ना जो है बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट करता है। बहुत सारा वुड मिल गया, तो एक काम करते हैं अब इस वुड को ले जाते हैं अपने घर। पर यार यही दिक्कत है इस एरिया में मुझे, कि मेरा घर कौन सा, मैं भूलने वाला बार बार, बिकॉज यार ढेर सारे बड़े बड़े गड्ढे, तो कन्फ्यूजन तो आती रहेगी ना, बिकॉज मेरे घर में गड्ढे इतने सारे थे और वहाँ पे भी गड्ढा था ही था। सो शायद से ये तो कोई केव लग नहीं रहा, बट इधर कोल है, सो इसे भी ले लेते हैं अपने साथ। यार मेरा घर कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये ऊपर, इसका थोड़ा अजीब सा है मतलब। सो इधर एक दम इधर से ये सब कलेक्ट कर लेते हैं, देन इस जगह को तो ब्लॉक करेंगे भाई, और उधर के जगह एरिया को भी ब्लॉक करना होगा। अरे भाई इसको तोड़ो, अब इधर डो लगाएंगे, इसके पहले मैं इन सबको खो दूँ एक तो, एंड 33 बज गए हमारे पास। सो पहले तो चेस्ट इधर रखो, इधर हम अपना सारा कीमती सामान रखते हैं, ये तो कीमती है नहीं जो कि मैंने अभी अभी रखा, हाँ पर जो अभी अभी गिरा, अरे बेकार में हटा रहे हैं इसको, डायरेक्ट मेल्टिंग में भी रख सकते पर मैं नहीं रख रहा, बिकॉज अभी मुझे कुछ और भी काम है। तो एक काम करते, इन चीज़ों को जो है इधर
इसको तो कहीं और रखना था, तो जितना सके उतना चीज़ कर लेते अभी। सो ये तो रखिए, इधर भी एक रखना होगा। सो इधर इसको रख देते हैं, देन इसे तोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए। लगाने से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो छः हो गए। अरे इसको खोलो भाई, दरवाजे को रख देते हैं, इस चीज़ को इधर रख देते हैं, इस खाने को निकाल लेते हैं, इधर स्टोर करवा देते हैं फूड को, और ये डर्ट वगैरह और ये बिल्डिंग मटेरियल लेकर इस एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, हाँ इधर से ऊपर चलना होगा हमें। सो भाई इतना आई डोंट थिंक सो कि इनफ मटेरियल है हमारे पास कि हम इन सबको ब्लॉक कर सकें। ये हवा में उड़ने वाले ब्लॉक्स को तोड़ देते हैं। 10 ब्लॉक तो हो ही गए भाई। सो देन हम लोग अभी इसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉक करना तो स्टार्ट कर ही दिया वैसे भी। अरे किधर लगा दिया, छिट 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 छिट। सो फिर इसके ऊपर जाके थोड़ी दूरी से और भी, अरे अरे पहले शीप, बिकॉज ये अगर यहाँ से चली गई ना तो बेड के लिए जो एक वूल मिलना है वो भी नहीं मिलने वाला। सो अबे भाई मरता क्यों नहीं, एक तो इतना फोन लैग कर रहा है। सो इसको भी मारते हैं फटाफट से, और अब हम लोग चलते हैं सीधा डर्ट इकट्ठा करने, जो कि मैं कहीं से करने वाला था, कहाँ से करने वाला मैं वो ही भूल गया। इधर उधर के एरिया से अगर कर दिया तो हो सकता है लुक ख़राब हो जाए। ये एरिया से करने से कुछ ख़राबी नहीं है। ओके नाइस, इधर से भी नहीं है। सो इधर से भी कर ही लेते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, उधर नहीं लगाने यार, उधर बेकार में, उधर खाली पीली लगा दिया ख़त्म। सो एक मिनट था, अरे मैं गिर कैसे गया। ओके नाइस, तो फिर इससे भी ब्लॉक करके रख देते हैं। चेस्ट के अंदर तो जितने भी डॉट थे मैंने सबको ले लिए, हाँ सबको ले लिए भाई। और ये वूल और ये सब रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। एक मिनट, इधर तो काम बाकी है, उधर ये चलो भाई प्लैंक्स ही लगा देते इधर, ताकि सिक्योरिटी कम से कम प्लैंक सी सही पर देते रहे कोई चीज़। अरे इसको तोड़ो जल्दी जल्दी, रात हो उसके पहले तोड़ भाई, ये टूटते भी नहीं है। अरे भाई साहब मुझे नहीं लगता है कि इतना वुड भी इनफ है भाई, वुड की तो कुछ ज़्यादा ही कमी पड़ रही है। इधर मैं सोच रहा था ग्लास लगाते तो 19 है, ये इनफ तो नहीं है, पर सोच रही
एकदम अच्छे से यहीं पे लगा दूँ जितना हो सके। इधर एक छोटा सा जो घर बनाते हैं। अरे भाई फटाफट से लगाते हैं फास्ट फास्ट। और मुझे लगा था इतना प्लान काफ़ी होगा इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। आई डोंट थिंक सो। नहीं, काफ़ी है अरे भाई साहब, अरे भाई अंदर से टॉर्च लाओ, नहीं तो ये पूरा एरिया भी सलर को भूत बंगला है। और भी लाओ अंदर से, इतना ही काफी नहीं है। इन सब टॉर्चेस की तो मेन जरूरत इधर पड़ रही है। एक और चाहिए, एक ओनली एक यार। इस डेट को तो अभी यूज़ नहीं है तो इसे ऐसे ही रख देते हैं। एंड इस चीज़ को भी रख देते हैं। तो इधर से एक ये ले लेते हैं। एंड रुको 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 भाई, ये पिकेक्स टूटने वाली हालत पे तो यूज़ कर ही देते हैं इस आखिरी स्टोन को तोड़ने में। आखिरी तो नहीं, ये और भी तोड़ सकता है। जल्दी टूट जा, टूट गया। नाइस। मैं क्या कर रहा हूँ जी, इधर पिकेक्स को संभाल कर रख देना एंड ये टॉर्च भी लेके जाना है और लगा देना, ताकि इधर कोई मॉब ना स्पॉन हो, नहीं तो पता चला जिस वजह से यहाँ ये चीज़ बनाई वजह तो ख़त्म ही हो गई, मतलब काम ही नहीं करा वो वजह जिस मतलब, ताकि यहाँ मॉब स्पॉन हो इसलिए बनाया और आदमी यहाँ मॉब स्पॉन का पता चला। छोड़ो भाई, ये घर ही अभी के लिए काफ़ी है, मस्त है ये घर। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।